हाँ तो प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम क्लास 10th जिसका छठवां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रमेय है 6.1 जिसे हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, उसे कराएंगे बेटा। इसका कथन क्या है? कथन यह है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई त्रिभुज दे रखा है, उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये सिद्ध करना है बेटा। अब आइए देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज मानते हैं हम, एक त्रिभुज है ये, ए बी सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर करने के लिए एक रेखा खींच जाए। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें हमने एक रेखा ली, रेखा डी ई ले ली बेटा। उसने कहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डी ई ली है, जो दो भुजाएं कौन कौन सी ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु डी व ई पर प्रच्छेद करती है, तो सिद्ध करना है कि जो रेखा होगी ये डी ई इन भुजाओं को ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। दिया क्या है हमें, यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि जब डी ई को मिलाया जाएगा कि डी ई समांतर है बी सी के। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, उसने कहा है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये जो डी ई है इन दोनों भुजाओं को ए बी व ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी। अब हमने रचना की, रचना क्या की कि डी से सी को मिला दिया है, बी से ई को मिला दिया है। अब इस शीर्ष सॉरी इस बिंदु सी से डी से इस रेखाखंड ए सी पर एक लंब डाल दिया बेटा हमने डी एम, जो कि ए ई पर भी लंब होगा और सी ई पर भी लंब होगा और मुख्य रूप से ए सी पर भी लंब होगा, जिसका हम आगे यूज करेंगे। और ई से लंब डाला है ए बी पे, इसे नाम दे दिया है ई एन। तो हमने क्या क्या रचना की है, रचना की है हमने डी सी व बी ई को मिलाया, डी सी कोमा बी ई को मिलाया तथा डी एम लंब ए सी व ई एन लंब ए बी खींचे, या खींचा ये लिख दिया मैंने। अब दोबारा से बताऊं बेटा, जो डी एम जो लंब है वो ए ई पर भी है और ई सी पर भी है और मूल रूप से ए सी पर है, क्योंकि ए सी के दो हिस्सा हैं ए ई और ई सी। तो डीएम पे जो डीएम जो लंब खींचा है वो ए सी पे है, तो ए ई पे भी लंब होगा और ए सी पे भी लंब होगा। ऐसे ही ई एन जो लंब खींचा है हमने ए बी पे खींचा है, ई एन लंब ए बी, तो वो ई एन जो लंब है ए डी पर भी है और डी बी पर भी। उपपत्ति,
ADE, वा त्रिभुज, BDE का क्षेत्र, त्रिभुज ADE वा त्रिभुज BDE, एक ही आधार AB पर स्थित है, AB पर स्थित है, तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार AD इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा AD के लिए? EN। इसे नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज एक ही आधार पर कौन कौन लिया? अभी मैंने बताया ADE और BDE एक ही आधार AB पर स्थित हैं। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लेंगे। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार हो जाएगा बेटा DB इंटू ऊंचाई यही रहेगी EN। इक्वेशन दो, क्योंकि अभी बताया है मैंने AB पर लंब हमने EN खींचा था, तो AB पर जब लंब EN खींचा था तो EN AD पर भी लंब है और DB पर भी लंब है, क्योंकि AD और DB दोनों AB के भाग हैं। समीकरण एक में दो का भाग देना, समीकरण दो का भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल / त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EN / 1/2 DB इंटू EN। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या मिलेगा बेटा हमको? AD/DB। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 3। इसी प्रकार अब देखो ये त्रिभुज ADE अब की बार इधर से लेके चल रहे हैं, AE को आधार लेकर के, पहली बार लिया था हमने AD को। ADE वा त्रिभुज CDE एक ही आधार AC पर स्थित है, तो इनके लिए ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? इनके लिए ऊंचाई हो जाएगी DM। यहां लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADE वा त्रिभुज CDE एक ही आधार AC पर स्थित हैं, तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 आधार अब की बार AE लेंगे हम, AE इंटू ऊंचाई हो जाएगी बेटा DM। इक्वेशन हो गया 4। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार अब की बार इसका क्या हो जाएगा? CE और ऊंचाई क्या रहेगी? वही DM, CE या EC कहें इनटू DM। इक्वेशन हो गया 5। समीकरण 4 में 5 का भाग दें, समीकरण 5 का भाग देने पर देना भाग तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल / त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE इंटू DM / 1/2 CE या EC बोलें, CE इंटू DM, DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको? AE/CE। इसे नाम दे दिया इक्वेशन 6। अब आगे बढ़ते हैं।
क्लास 9th में बेटा हमने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज या दो समांतर चतुर्भुज या कोई और अन्य आकृति हो, दो समान आधारों पर स्थित हों और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हों तो दोनों के एरिया जो होते हैं बराबर होते हैं। तो देखो बी डी ई और सी डी ई दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं और एक ही आधार डी पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सी डी ई के। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों? दो समान समांतर सॉरी दो समान आधारों व समांतर रेखाओं के बीच स्थित क्षेत्रों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्लास 9th में पढ़ा है अगर दो आकृतियां समान आधारों पर स्थित हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, तो इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 7। तो बेटा समीकरण यहां से दिखाऊं मैं आपको, ये समीकरण जो 3 बन रही है ये और समीकरण 6 बन रही है ये, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो 3 में क्या है ए डी का क्षेत्रफल बट्टे बी डी का क्षेत्रफल और यहाँ ए डी बट्टे सी डी का क्षेत्रफल, और यहाँ मैंने इस समीकरण 7 में बी डी ई और ए डी बी डी ई और सी डी ई को बराबर रख दिया है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर बता दिए, तो समीकरण 3, 6 व 7 से क्या मिलेगा, समीकरण 3, 6 व 7 से क्या मिलेगा, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ए डी ई बट्टे बी डी ई है पहली समीकरण 3 में और समीकरण 6 में ए डी बट्टे सी डी है और यहाँ बी डी और सी डी को दोनों को बराबर रख दिया, तो क्या हो जाएगा समीकरण 3, 6 व 7 से ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे सी ई या ए ई बट्टे ई सी बोल सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, इसे ही हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।